क्या होगा 30 दिन के बाद अगर आप इस वीडियो में बताए गए चीजों को अपनी लाइफस्टाइल से डिलीट कर देते हो, बिल्कुल खत्म कर देते हो। सबसे पहला, आप कॉन्फिडेंट रहोगे, आपको अपनी बॉडी में एक अलग ही सुफुर्ती महसूस होगी, आप लोगों की नजर में अट्रैक्टिव बनने लगोगे, आप किसी भी काम को करने में नहीं चूकोगे, क्योंकि 30 दिन के बाद आपके अंदर से आलस नाम की चीज निकल गई होगी। और एक इंटरेस्टिंग बात बताऊं, आपको खुद नहीं पता कि वो कौन सी चीजें हैं जो आपने अपनी लाइफस्टाइल का हिस्सा बना रखी हैं और वो आपको बर्बाद कर रही हैं। तो चलो बिना देर के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली चीज जो आपको आपके पतन की ओर ले जा रही है, नियमों को फॉलो ना करना और उन्हें हल्के में लेना। देखो, हमारे प्राचीन नियम इतने शक्तिशाली हैं कि जिन्हें अगर कोई बंदा पूरे अनुशासन के साथ फॉलो करता है तो वो अपनी मनचाही चीज को अपनी लाइफ में बहुत आसानी से पा सकता है। लेकिन वो चीज सात्विक होनी चाहिए, सही काम के लिए होनी चाहिए। मान लीजिए कोई बंदा अपनी खोई हुई वाइटल एनर्जी या फिर अपनी पुरानी गलतियों को रिकवर करना चाहता है तो ना तो वो दवाई गोली से ठीक होगा, ना ही विदेशी नियमों से। वो ठीक होगा सिर्फ तो सिर्फ नियम से, अनुशासन से। आपने देखा होगा कि कई बार डॉक्टरों की दवाई काम नहीं करती और बड़े बुजुर्गों द्वारा दी गई सलाह काम कर जाती है। तो बस यही मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि आयुर्वेद के नियमों को हल्के में मत लेना। और कुछ नियम मैंने आपको इस वीडियो में बता रखे हैं, लिंक इन डिस्क्रिप्शन और एंड स्क्रीन, जाकर मेरे भाई जरूर से देख लेना, बहुत ही ज्यादा इन्फॉर्मेटिव वीडियो है। अगली चीज जो आपको बर्बाद कर रही है, आपके जीवन को नष्ट करने में लगी है, वो है गंदी आदत या फिर किसी भी चीज की लत, यानी कि एडिक्शन। अब लत यानी कि एडिक्शन किसी भी चीज की हो सकती है, ज्यादा बोलने की, ज्यादा खाने की, गलत खान पान की, गलत देखने की, गलत रहन सहन की, फोन चलाने की, कई तरह के एडिक्शन होते हैं। अब वो आपको भी पता होगा कि आपके लिए कौन सा एडिक्शन सही है और कौन सा गलत। तो मेरे दोस्त, ये कुछ एडिक्शन आपको कुछ पल का मजा तो दे देती हैं, लेकिन आपके जीवन को नष्ट भी कर देती हैं। तो इसीलिए ये कुछ पल के मजे के पीछे मत भागो, अपने आप को अंदर से जानो और उस पर इम्प्रूवमेंट करो। अगर आपकी किसी भी चीज की लत नहीं छूट रही है तो नीचे कमेंट सेक्शन बता दो, जितनी मदद हो सकेगी उतनी कर दूंगा वीडियो बनाकर। उसके बाद अगली चीज जो आपको आपके पतन की ओर ले जा रही है, खराब मॉर्निंग रूटीन। आप में से सभी लोगों को तो नहीं बोलूंगा, लेकिन ज्यादातर लोग सुबह उठते हैं, चाय नमकीन बिस्कुट खाकर अपने कामों पर लग जाते हैं, जो कि सबसे खराब आदत है, और सुबह उठते भी नहीं है, 8-9 बजे जाकर उठते हैं। तो मेरे दोस्त, आपके लिए एक बेस्ट मॉर्निंग रूटीन का होना बहुत जरूरी है। जब आप सुबह में बैड हैबिट्स से बच जाओगे तो आपका पूरा दिन अच्छा जाएगा, और जब आपका पूरा दिन अच्छा जाएगा मतलब हर दिन अच्छा जाएगा, और जब आपका हर दिन अच्छा रहेगा तो आप किसी भी रूटीन को अच्छे से फॉलो कर सकते हो और किसी भी चीज को बहुत आसानी से हासिल कर सकते हो। तो आपकी बेस्ट मॉर्निंग रूटीन क्या होनी चाहिए वो सुन लो, जो आपको आज से ही या फिर कल से ही शुरू कर देनी है। सबसे पहला, ब्रह्म मुहूर्त में उठो। ब्रह्म मुहूर्त क्यों है इतना खास, वीडियो के लिंक डिस्क्रिप्शन और एंड स्क्रीन पर है, जाकर देख लेना। उठने के बाद 2 गिलास नॉर्मल पानी या फिर 1 गिलास हल्का गुनगुना पानी जरूर से पियो। उसके 5 मिनट बाद फ्रेश होकर दांतों का जुगाड़ करो। अगर दांतों नहीं है तो सरसों का तेल और नमक, इससे अपने दांतों को साफ करो। उसके बाद अपना व्यायाम करो, प्राणायाम करो, ध्यान करो। व्यायाम में आप कुछ दंड लगा सकते हो, बैठक लगा सकते हो। प्राणायाम में आप कुंभक प्राणायाम कर सकते हो, अनुलोम विलोम प्राणायाम कर सकते हो, और ध्यान में विपासना ध्यान करो। इससे आपको फ्रेशनेस फील होगी और आपका स्वास्थ्य 1 नंबर टकाटक रहेगा। उसके बाद नहा धोकर 5 मिनट के लिए भगवान का ध्यान करो। फिर बिल्कुल शुद्ध और पवित्र मन से हाई प्रोटीन डाइट और हाई न्यूट्रिशन फूड जरूर से इंटेक करो, जो आपको पूरे दिन एनर्जेटिक रखने में मदद करेंगे। आप कुछ जूस ले सकते हो या फिर दलिया, दूध, बादाम रगड़ा, दूध, दही, मिक्स दाल की सब्जी, पनीर, स्प्राउट्स, ये सब चीजें ले सकते हो। इनसे आपको हाई प्रोटीन और हाई न्यूट्रिशन मिल जाएगा। और फिर अपना कोई भी वर्क स्टार्ट कर दो। कॉलेज जाते हो, कॉलेज जाओ, स्कूल जाते हो, स्कूल जाओ, वर्क पे जाते हो तो वर्क करने जाओ, लेकिन ध्यान रहे डाइट पूरे नियम के साथ इंटेक करना, जिसके लिए नियमों को फॉलो करना बहुत जरूरी है। नियम वाली वीडियो राइट में है और ब्रह्म मुहूर्त क्यों है खास, इसकी वीडियो लेफ्ट में है, और चैनल का सब्सक्राइब बटन बीच में है। और एट लास्ट यही करूंगा कि ब्रह्मचर्य का पालन करो और ब्रह्मचर्य के प्रति अखंड बने रहो। तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नई वीडियो के साथ। कोई भी डाउट हो नीचे कमेंट सेक्शन है, तो लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब। जय हिंद, जय भारत, टेक केयर, बाय।